फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा स्कैलप बॉर्डर का डिजाइन लेके आई हूँ। तो देखिए, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। इसको आप लेडीज और गर्ल्स के किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है, बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आता है। लेडीज कार्डिगन में डालिए, लेडीज स्वेटर में डालिए, गर्ल्स टॉप में डालिए, फ्रॉक में डालिए, किसी में भी डालिए आप। बहुत ही सुंदर ये हमारा स्कैलप बॉर्डर बन के आएगा। तो इसको बनाने के लिए हमें 15 के मल्टीपल फंदे लेके, जैसे हम 15 फंदे गिनेंगे, फिर से 15, फिर से 15, फिर से 15, फिर से 15, लास्ट में हमारे 4 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए, तो डिजाइन दोनों तरफ से इक्वल आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने डाले हैं 15 के मल्टीपल 30 और 4 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। तो फंदे डालने के बाद, फंदे इसके अंदर हम ऐसे नॉर्मल डालेंगे, डिजाइनर फंदे नहीं डालेंगे। तो इस तरह से फंदे डालेंगे, नहीं ज़्यादा टाइट, नहीं ज़्यादा लूज। तो ये राइट साइड है, यहाँ से हम एक सिलाई को पूरी को उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक सिलाई को सीधी तरफ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लीजिए इस तरह से। तो ये पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सेकंड रो, सेकंड रो को भी हम पूरी को उल्टा उल्टा बनाएंगे। ऐसे पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से तो फंदे डालने के बाद 2 सिलाई मैंने उल्टी बनाई है, सीधी तरफ से भी और बैक साइड से भी। अब यहाँ से अब हम डिजाइन डालना शुरू करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फंदा है HT6, आप इसको बनाइए या उतारिए, स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब धागा पीछे करेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम एक फंदा बढ़ाएंगे, तो जो ये ऐसे नजर आएगा, इसके अंदर सिलाई डाल के यहाँ से फंदा उठाएंगे और इसको बनाएंगे इस तरह से। फिर 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। तो देखिए, एच स्टिच 2 उल्टे, 1 फंदा हमने यहाँ बढ़ा लिया, 3 फंदे बुने, तो टोटल 4 फंदे हो गए। धागा अपनी तरफ, फिर से 2 फंदे उल्टे, फिर यहां पर 3 का 1 करेंगे ऐसे। तो यहां पर जब 3 का 1 किया तो 2 फंदे कम हो गए, 1 फंदा हमने यहां पे उठा लिया, 1 फंदा आगे उठाएंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। अब एक फंदा हम यहां से बढ़ाएंगे, तो यहां से इस तरह से इस धागे को ऐसे उठाएंगे और इसको सीधा फंदा बना लेंगे। तो जो 2 फंदे यहाँ पर कम हुए थे, 1 फंदा यहाँ पर बढ़ा दिया, 1 यहाँ पर, फंदे हमारे वही इक्वल बन गए। अब देखिए, एच स्टिच को छोड़ के ये टोटल 15 फंदे हैं, 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15 फंदे हैं। अब एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब देखिए, यहाँ से फिर से फंदा बढ़ाएंगे, तो जो ये धागा नजर आएगा आपको, यहाँ से इसको उठा के इसको सीधा बनाएंगे ऐसे। फिर 3 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1, 2। अब ये 3 का 1 बनाएंगे उल्टा फंदा ऐसे, 3 का 1 उल्टा, फिर से 2 फंदे सीधे उल्टे, सॉरी। अब धागा पीछे करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3। अब यहाँ पे एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे, तो यहाँ से इस धागे को उठाएंगे और इस तरह से सीधा फंदा बना लेंगे। तो देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक अब हमारे 2 रिपीट कंप्लीट हुए।
अब तीसरा रिपीट स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में आपके पास तीन फंदे बचेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे। तो ये हमारे फर्स्ट रो बन के कम्प्लीट हुए। तो अब आ जाइए सेकंड रो में। सेकंड रो को देखिए, जो फंदा आपको जैसे नज़र आएगा वैसे ही बनाते जाएंगे। ये फंदा उल्टा नज़र आएगा उल्टा बनाएंगे, सीधा नज़र आएगा सीधा बनाएंगे। तो इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब जो ये फंदे यहाँ से उल्टे थे यहाँ से सीधे नजर आएंगे, तो दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। अब देखिए यहाँ पर आपको उल्टे फंदे नजर आएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ, तो ये यहाँ पर एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे। अब देखिए यहाँ पर आपको ये सीधे फंदे नजर आएंगे। जब आप सीधी तरफ से इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये पांच फंदे उल्टे हैं, तो ये बैक साइड से सीधे बनेंगे। धागा पीछे करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। अब देखिए यहाँ पर चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार। अब धागा पीछे, फिर से दो फंदे सीधे, एक दो। अब धागा अपनी तरफ, अब फिर से चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार। धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको पांच फंदे उल्टे हैं सीधी तरफ से, यहाँ से पांच फंदे सीधे बनेंगे, दो तीन चार पाँच। धागा अपनी तरफ, फिर से चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार। धागा पीछे और दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, लास्ट का फंदा उल्टा। तो देखिए बैक साइड से जो फंदा जैसा नजर आया उसको वैसा ही बनाते गए। अब आ जाइए राइट साइड थर्ड रो। तो अब आ जाइए तीसरी सिलाई में। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे, एक और दो। धागा पीछे करेंगे, अब फिर से यहाँ से फंदा उठाएंगे, तो इस तरह से इस फंदे को उठाएंगे और फंदा बुन देंगे। अब हमारे यहाँ पर चार फंदे सीधे हैं, तो चार फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार। तो देखिए एक फंदा हमने उठाया है, चार फंदे बुने हैं, तो टोटल पांच फंदे सीधे बन गए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, अब यहाँ पर हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे और अब तीन का एक करेंगे। जो ये सेंटर वाला फंदा है ये तीन का एक है, इसके दोनों तरफ से एक एक फंदा लेंगे और तीन का एक बनाएंगे, ऐसे इस तरह से। अब यहाँ पर एक फंदा उल्टा है तो एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये चार फंदे सीधे हैं तो इनको सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार। अब एक फंदा फिर से यहाँ से बढ़ाएंगे, तो देखिए यहाँ से हम इस तरह से फंदा उठाएंगे और फंदा बुन लेंगे। तो देखिए एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं 15 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा यहाँ से उठाएंगे। तो देखिए इस तरह से लेंगे और यहाँ से ये फंदा उठाएंगे और इसको सीधा बनाएंगे। एक फंदा हमने फिर से बढ़ा लिया और ये चार फंदे सीधे हैं तो इनको सीधा बनाएंगे, ऐसे। अब देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, अब यहाँ पर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, ऐसे।
फिर तीन का एक करेंगे। जो ये सेंटर का फंदा है ये तीन का एक वाला है, तो दोनों तरफ से एक एक फंदा लेके तीन का एक करेंगे। फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार। अब एक फंदा फिर से उठाएंगे तो देखिए किस तरह से उठाएंगे, जो ये धागा है यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और इसको उठा के बुन देंगे। तो जो यहाँ पर तीन का एक होता है, एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाता है, एक यहाँ पे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एच स्टिच फंदा सीधा। तो ये तीसरी सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए चौथी सिलाई, फोर्थ रो में। यहाँ से फिर से जो फंदा जैसा नजर आएगा उसको वैसा ही बनाएंगे, एक उल्टा, धागा पीछे। अब ये दो फंदे आपको सीधे नजर आएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको पांच फंदे उल्टे बनाने हैं, एक दो तीन चार पांच, धागा पीछे करेंगे, ये तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ, फिर से पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी तरफ अलग से नजर आएंगे। अब आपको ये पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, धागा पीछे, फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से ये पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, धागा पीछे, दो फंदे सीधे। तो डिजाइन की फोर्थ रो बन के कंप्लीट हुई, रॉन्ग साइड फोर्थ रो। तो देखिए अलग से आपको नजर आएगा, जो फंदा जैसा है वैसा ही बना लेंगे। अब आ जाइए राइट साइड पांचवी सिलाई में। तो अब आ जाइए सीधी तरफ। तो फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब फिर से यहाँ से एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे, तो देखिए इस तरह से उठाएंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे। अब ये पांच फंदे आगे हैं, इनको भी सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, धागा अपनी तरफ। अब देखिए यहाँ पर तीन फंदे उल्टे हैं, एक तीन का एक, दोनों तरफ एक एक फंदा, तो इन तीन का एक बनाएंगे यहाँ पर, इस तरह से तीन का एक बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये आपको पांच फंदे सीधे नजर आएंगे, इनको सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, धागा अपनी तरफ, धागा पीछे रखेंगे, यहाँ से एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे। तो इस तरह से इसको उठाएंगे यहाँ से और इसको बुन लेंगे। जो फंदा यहाँ पर कम होता है दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ा के कवर हो जाता है, धागा अपनी तरफ। अब देखिए एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। तो दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से यहाँ से फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से, यहाँ से देखिए इस तरह उठाएंगे और सीधा फंदा बुनेंगे। अब ये पांच फंदे हैं, इनको भी सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से ये तीन का एक करेंगे इस तरह से, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से ये पांच फंदे हैं ये यहाँ पर, एक दो तीन चार पांच, फिर से यहाँ से फंदा उठाएंगे ये ऐसे और इसको लेंगे ऐसे बुनेंगे।
तो दो रिपीट हमारे कंप्लीट हुए। अब देखिए धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एच स्टिच फंदा सीधा। पांचवी सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए छठी सिलाई रॉन्ग साइड। जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही बनाएंगे। एक फंदा उल्टा है, उल्टा धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। अब देखिए यहाँ पर छह फंदे, एक दो तीन चार पाँच, छह फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से छह फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच और छह। तो देखिए इन्हीं एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं 15 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। तो दो फंदे सीधे, तो इसी तरह से बनाएंगे, पांच उल्टे एक सीधा, पांच उल्टे दो सीधे। तो इसको बना के कंप्लीट करें। तो देखिए छह सिलाइयों का डिजाइन था, डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया है और इस तरह से बन के आया है। अब देखिए इन्हीं छह सिलाइयों को हम फिर से रिपीट करेंगे। जब आप छह छह सिलाइयों को रिपीट करेंगे तो आपका इस तरह से बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा ये स्कैलप बॉर्डर का डिजाइन बन के आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको इसको एक बार और बना के स्टार्टिंग करके दिखा देती हूँ ताकि आपको बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट फंदा है एच स्टिच, उतारेंगे धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ से अब हम एक फंदा उठाएंगे, तो इस तरह से फंदा उठाएंगे और इसको सीधा बनाएंगे, एक दो और तीन, और चार। तो एक फंदा हमने उठाया है यहाँ से और तीन फंदे बुने हैं, तो टोटल चार बन गए सीधे। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से दो फंदे उल्टे, एक दो, फिर से यहाँ पर हम तीन का एक करेंगे ऐसे, फिर से दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे करेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। अब देखिए यहाँ से हम फिर से फंदा उठाएंगे, यहाँ से इस तरह से लेंगे और इसको सिलाई में डाल के सीधा फंदा बनाएंगे। तो देखिए एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, अब यहाँ से फंदा उठाएंगे इस तरह से और एक फंदा उठा के इसको बना लेंगे, फिर तीन फंदे सीधे, दो तीन, एक फंदा उठाया तीन बनाए, टोटल चार हो गए। धागा अपनी तरफ, फिर से दो फंदे उल्टे, एक दो, अब ये तीन का एक करेंगे यहाँ पर इस तरह से, फिर दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे, फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर से एक फंदा उठाएंगे तो ये नीचे धागा नजर आएगा, इसको लेंगे ऐसे और इसको सीधा बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे दो रिपीट कंप्लीट हुए। धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा। तो देखिए मैंने डिजाइन को दोबारा से स्टार्ट करके दिखा दिया है। जब आप इन्हीं चार चार सिलाइयों को रिपीट करेंगे तो आपका इस तरह से बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा ये बॉर्डर का डिजाइन बन जाएगा। इसको आप लेडीज और गर्ल्स के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। तो देखिए अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।